हरदोई की देहात कोतवाली पुलिस ने 17 फरवरी को अपने क्षेत्र में हुई बेनीगंज के युवक से लूट की घटना का पर्दाफाश किया। युवक ने उधार रुपए मौजूदा समय में वापस न करने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी। युवक के पास से पुलिस ने 58,500 रुपए भी बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक कपिल देव ने बताया कि 17 फरवरी को अवधेश कुमार पाल निवासी महीन कुंड बेनीगंज ने कोतवाली देहात पुलिस को सूचना दी थी कि सीतापुर रोड पर मुरलीपुरा भट्टे के पास 3 अज्ञात लोगों ने उसके पास से 78,000 रुपए व मोबाइल फोन लूट लिए। इसका मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए एसपी अनुराग वत्स के निर्देशन, एएसपी पूर्वी व सीओ सिटी के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के नेतृत्व में टीम गठित की गई। एएसपी ने बताया कि मामले की पड़ताल की गई तो पूछताछ में वादी ही संदिग्ध लगा तो उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने खुद के द्वारा लूट की झूठी कहानी की बात स्वीकार कर ली। एएसपी ने बताया कि उसने यह भी बताया कि अभी उधारी के रुपए फिलहाल देना नहीं चाहता था, जिसके लिए उसने झूठी कहानी गढ़ी थी। उसने बताया कि 19,500 रुपए खर्च भी कर दिए। युवक के पास से पुलिस ने 58,500 रुपए, एक मोबाइल फोन व 7 सिम बरामद कर उसे जेल भेज दिया है। ये अवधेश नाम का नवयुवक है जो बेनीगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में इसका 78,000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया गया। इस सूचना का अभियोग पंजीकृत किया गया था कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में, और विवेचना के दौरान ये प्रकाश में आया कि यह व्यक्ति कुछ पैसे उधार लिया था, इसे उधारी चुकानी न पड़े इस उद्देश्य से इसने लूट की घटना फ्रेम की, और इस घटना को कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बड़ी सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। इनका मोबाइल इनके घर से बरामद हुआ है, 58,500 रुपए भी इन्हीं के पास से बरामद हो गए थे, 7 अदद सिम बरामद हुए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि इनको उधार के पैसे न चुकानी पड़े, इसीलिए ये झूठी घटना इनके द्वारा फ्रेम की गई थी।